हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को मिक्स्ड दाल की खिचड़ी बनाना सिखाने वाली हूँ। वैसे तो खिचड़ी बनाने आप सभी को आता होगा, लेकिन मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आप लोगों को खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी आज। तो आप मेरे साथ बने रहिए। इसमें मैं कौन कौन सा दाल यूज़ करती हूँ वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी भी, क्योंकि सही प्रपोर्शन में यदि हम दाल लेंगे और चावल लेंगे तो खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। ये खिचड़ी मैं कुकर में बनाऊंगी। तो कुकर में बहुत ही अच्छे से खिचड़ी बन जाती है। ऐसे तो हम ओपन में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में मैं झटपट बनाऊंगी। ये एक तरह से ओपन टाइप की ही खिचड़ी है। पहले हम लोग दाल गला लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे सारा प्रोसीजर होता जाएगा मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी और दिखाती भी जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये ग्लास ले लिया है और इसी ग्लास में मैं सारी दालों को नापूंगी। यहाँ पे मैं इतना मिला करके दाल और चावल दोनों इतना मिक्स करेंगे, ये जो लाइन आप लोग को दिख रही है ना, इस लाइन के बराबर मैं दाल और चावल मिक्स करूंगी। जिसमें सबसे पहले मैंने मसूर की दाल लिया है, उसके बाद मैं इसमें तुअर की दाल थोड़ा सा मिलाऊंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तुअर की दाल भी ले ली है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मूंग का दाल भी ले लिया है। अब यहाँ पे हम लोग दाल को थोड़ा वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद उसको अच्छे से हम लोग वॉश कर लेंगे। इस तरह से हम लोग दाल को, सारे दाल को वॉश कर लेंगे। दो तीन पानी से हम लोग दाल को वॉश कर लेंगे, तब इसमें हम लोग कुकर में इसको डालेंगे। ये कुकर मैंने वॉश कर लिया है, इसमें हम सारी दालों को डालेंगे। यहाँ कुकर में हम लोग दाल धोकर डाल दिए हैं, इसके बाद फिर अपना पानी डाल देंगे। इसमें हम लोग पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, फिर उसमें एक चम्मच हम लोग मसाले डालेंगे, जिसमें कि जीरा, काली मिर्च, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, इसको डाल देंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसमें हल्दी डालेंगे, हल्दी भी एक स्पून डाल देंगे। उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट के हिसाब से इसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि चावल भी इसमें ऐड करेंगे तो फिर बाद में ऊपर से हम लोग सॉल्ट नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैंने कुकर में दाल को रख दिया है। अब दो तीन विसल आएगा, उसके बाद हम लोग गैस बंद कर देंगे और गैस को हम लोग तेज पे ही रखेंगे। दो तीन विसल आने के बाद हम लोग गैस बंद कर देंगे, तब इसमें हम लोग चावल ऐड करेंगे। विसल आना शुरू हो गया है, देखिए। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, हो गया है दाल। अब मैं गैस बंद कर दूंगी, गैस मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे कुकर का प्रेशर निकलेगा, तब तक हम लोग यहाँ पे तड़के का, यहाँ पे लहसुन, प्याज और तीन हरी मिर्च, और यदि अदरक है तब अदरक भी ले लें तड़के के लिए, हम लोग यहाँ पे तैयारी कर लेंगे। तब तक हम लोग यहाँ पे हम लोग कुकर का ढक्कन खोलेंगे। ये देखिए दाल पूरी तरह से गल गया है। अब इसमें हम लोग चावल को डालेंगे। यहाँ पे मैंने चावल धो के रख लिया है, अब इसको मैं इसमें कुकर में डाल दूंगी। इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे हम लोग, दाल अभी गाढ़ी है। उसके बाद ये चावल मैंने जो धो के रखे हैं वो थोड़े से चावल मैं इसमें ऐड कर दूंगी। गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है, ये बन रहा है। गैस को हम लोग तेजी करके रखेंगे और इसको कंटिन्यूस चलाते रहेंगे ताकि नीचे ये चिपकेगा नहीं। लास्ट में जब ये प्रिपेयर हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये बन जाता है। देख रहे हैं आप लोग, चावल पक चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे और तड़के की तैयारी करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है, इसमें सरसों का तेल भी डाल दिया है। जब तक सरसों का तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सब मैंने फाइनली चॉप्ड यहाँ कर रखे हैं, ये सारे चीज मैंने, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का मैं तड़का लगाऊंगी। तेल गर्म हो गया, चेक कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जब तक जीरा क्रैकर हो रहा है। उसके बाद फिर इसमें हम लोग साथ में लहसुन डाल देंगे, उसमें थोड़ा सा हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा प्याज भी डाल देंगे और इसको हम लोग फ्राई करेंगे, थोड़ा रेडिश करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको डाल देंगे। ये देखिए
गोल्डन हो गया है, हम लोग गैस बंद कर देंगे। इसको हम लोग तड़के को उसमें डाल देंगे कुकर में। ये खिचड़ी बन के रेडी है, इसमें हम लोग तड़का डाल रहे हैं। तड़का डाल देंगे, इसका जो ऑयल है वो सब भी इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। फिर इसको हम लोग चला देंगे। खिचड़ी बनके तैयार है। लास्ट में आपको मैं इसका प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे खिचड़ी निकाल दिया है। यहाँ पे चोखा है, अचार है और खिचड़ी में थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है। आप खाइए, आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा ये खिचड़ी।